नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश में नया संकट मंडरा गया है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। तो क्या ये तमाम खबर रहेगी आपके समक्ष, जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जल जनित रोग पीलिया और डायरिया को लेकर हिमाचल में अलर्ट, सुक्खू ने सैंपल एकत्रित कर जांच करने के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे पीलिया और डायरिया के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट हो गई है। अस्पतालों में प्रतिदिन 5 से 7 मरीजों से जल जनित रोग की पुष्टि हो रही है। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेजों, अस्पताल प्रशासन और जिला चिकित्सा अधिकारियों को पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध रखने को कहा है। जल शक्ति विभाग को भी पानी की जांच करने के निर्देश दिए हैं। जहां पानी पीने योग्य नहीं है, वहां सूचना पट्टिका लगाने के लिए कहा है। वहीं बता दें कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, IGMC एवं अस्पताल शिमला, कांगड़ा के टांडा, हमीरपुर, नेरचौक, चंबा और नाहन मेडिकल कॉलेज के अलावा जिला अस्पतालों में जल जनित रोगों के प्रति सतर्क रहने के लिए कहा है। डॉक्टर OPD में आने वाले मरीजों को जागरूक कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि गंदे पानी के कारण ही डायरिया का जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है। ऐसे में पीलिया के बाद डायरिया होने का खतरा रहता है। इस कारण डॉक्टर पीलिया रोग ठीक होने के बाद भी एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। वहीं डायरिया का बैक्टीरिया पीलिया से पहले भी शरीर पर आक्रमण कर सकता है। तो कुल मिलाकर यह है बड़ी खास खबर कि हिमाचल प्रदेश में पीलिया और डायरिया को लेकर हिमाचल में अलर्ट दिया गया है। तो सुक्खू ने सैंपल एकत्रित कर जांच करने के निर्देश दिए हैं। तो अभी के लिए यही है बड़ी खास खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।